आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी, पोटा कलेजी की रेसिपी। पोटा कलेजी यूँ तो खैर बहुत ही देखने में आसान सी चीज़ लगती है, लेकिन इसको पकाना भी एक आर्ट है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1.5 किलो सामान लिया है, आधा आधा किलो तीनों चीज़ें लिया, आधा किलो कलेजी, आधा किलो पोटा चिकन का और आधा किलो दिल। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। मैंने दिल को भी मैंने काट लिया क्योंकि इसके अंदर खून होता है, कि नालियों के इसके दिल के अंदर खून होता है। आप साबुत ना पकाएं कभी भी, जो कि कैंसर का बाइस बन सकता है। तो इसको काट के अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर मैं ये सब चीज़ें डाल दूंगा। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगा साबुत धनिया लिया है मैंने, 3-4 जवे लिए हैं लहसुन के, हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा नमक लिया है। बस सबसे पहले मैं ये लहसुन के जवे लूँगा, ये 2 चमचे मैंने साबुत धनिया लिया है, ये इसके अंदर जाएगा। तो मैं इसको कूट लूँगा सबको धरधरा सा, ये सब मैंने धरधरा सा पीस लिया है और ये इसमें शामिल करूँगा। तो इसको साफ करने के लिए थोड़ा पानी ले लेता हूँ ताकि लहसुन और धनिया भी सब इसमें शामिल हो जाए। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगा। मैं डालूँगा इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल करता हुआ कि नमक का टेस्ट इसमें आ जाएगा, और इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। फिर अब मैं चूल्हा जला देता हूँ। मैंने चूल्हा जला लिया है, इसमें इसमें 2 कप में पानी शामिल करूँगा, 1 कप 2 कप पानी डाल के इसको मैं उबाल आने तक तो मैं ढक देता हूँ। हमारे पोटे उबल चुके हैं, मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। इनको उबालने का मकसद ये था कि इसके अंदर पोटे के अंदर जो स्मेल होती है वो सब पानी में निकल जाए। लहसुन अदरक जो मैंने लहसुन जो डाला है मैंने, वो उसने इसकी सारी स्मेल को ख़त्म कर दिया है। और अब इसको एक मरतबा धो लेंगे, छन्नी में इसको पानी सारा निकाल देंगे। अब मैं इसको वॉश कर लेता हूँ एक मरतबा। पोटो को कलेजी पोटे को हम इस तरह से धो लेंगे, वॉश कर देंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहले चूल्हा जला लेंगे, फिर हम डालेंगे अपने पोटे जो मैंने काट लिए हैं, मार लेंगे। और इस पर जाएगा 2 अदद मैंने मीडियम प्याज ली थी वो इसमें डालूंगा चॉप की हुई, 4 चमचे मैंने लहसुन अदरक के लिए, 4 अदद चाय के चमचे मैंने लहसुन अदरक के लिए वो इसमें जाएंगे। फिर जाएगा नमक जाएगा इसमें, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर वो इसमें जाएगा। फिर 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा नकुटा ज़ीरा, 2 चम्मच जाएंगे लाल तेज मिर्च कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। और इस टाइम चूल्हे को करेंगे तेज, और उसको क्योंकि पोटा थोड़ा सख्त होता है गलने में टाइम लगाता है, इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको दरमियाना पकने देते हैं और उसको कवर कर देते हैं। जी बस हमारे पोटो को पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छा खासा अच्छे से गल चुके हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगा तिल, मज़ीद से मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको और गल ले लूँगा। पानी खुशक हो चुका है, पोटे हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो मैं शामिल करूँगा 1/2 किलो टमाटर। टमाटर इसमें जाएगा क्योंकि तो टमाटर से ही ग्रेवी बनेगी। टमाटरों को मैंने बारीक बारीक काटा है ताकि ये जल्दी गल जाए। शामिल करूँगा 1 कप तेल, मैं सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो उसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटे कलेजी को मैं थोड़ा सा पकने देता हूँ ताकि टमाटर वगैरह सब गल जाए। इस परेल पर मैंने कलेजी शामिल कर ली है क्योंकि कलेजी हम पहले नहीं डाल सकते थे इसमें, कलेजी गल हुई थी जब हमने उबाली थी, तो वो एक भाप में गल चुकी थी। कलेजी को हमने पहले शामिल नहीं करना है, अगर शुरू में डाल देंगे तो ये गलती हो जाएगी, इसलिए इस परेल पर जब तैयारी के आखिरी मरहल पर इसको जो कलेजी को हम शामिल करेंगे, ये मैंने इसमें डाल दिए और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए पकते हुए, इसको मिक्स करते पड़ा, थोड़ी भुनाई होगी इसकी,
बस इसमें शामिल करेंगे 5 अदद हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए, मैंने अदरक काट के रखी थी जूली कटिंग, वो इसमें शामिल करूंगा। मैंने सूखी मेथी ली है 1 चाय का चम्मच, वो इसमें ऐड करूंगा। मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ था, ये इसमें शामिल करूंगा। थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ। दमदार कलेजी बनी है, रिवर्स जायकेदार मज़ेदार छोटा कलेजी अगर पकानी हो तो मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा बिल्कुल। इसमें 1/2 चाय का चम्मच में गर्म मसाला ऐड करूँगा, गर्म मसाले का भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा चला देता हूँ। बस जी बस हमारा सालन जो है बन के तैयार हो चुका है। ढक देता हूँ और चूल्हा कर देता हूँ बंद, तो 1-2 मिनट के लिए रोगन आने तक इसको छोड़ देता हूँ। व्यवस्था तरीके से शानदार कलेजी हमारी बन के तैयारी हुई है, तो हम इसको डिश आउट कर देते हैं। छोटा कलेजी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। देखें कितना ज़बरदस्त बना है, इसकी शक्ल देखें और यकीन करें आप, ऐसी मस्त खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि कैसी बनी है। थोड़ी सी कलेजी चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार बनी है। खाते पीते रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।